तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू गाइस आर वेल। तो जी जो आज का व्लॉग है ना, वो बहुत ज़्यादा यू नो इमोशनल होने वाला था, लेकिन अब नहीं है। इमोशनल इसलिए होने वाला था क्योंकि आज है मेरी बेटी का स्कूल में पहला दिन। मैं इतनी ओवर एक्साइटेड थी इस बारे में कि ना, मैं जो ना 3 साल की थी तो स्कूल में चली गई थी, मतलब बड़ा शोखी मार के मैं सबको बताती थी कि मैं 3 साल की थी, मैं स्कूल में चली गई थी। एंड लुक, मेरी बेटी 2 साल की और वो माशाल्लाह से स्कूल जा रही है। इट्स अ काइंड ऑफ स्कूल, वो एक प्री स्कूल होता है जहाँ पे आप बच्चे को पहले ही जमा करवा सकते हैं, जस्ट लाइक हम ट्यूशन में बिठाते हैं ना बच्चे को, तो यहाँ पे प्री स्कूल होता है। सो हाँ, शेजी का फर्स्ट डे है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आई हैव ओनली 1 किड, सो मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकती, तो मैं आऊँगी इसके साथ। उन्होंने कहा आप 3-4 दिन आके देख लें, अगर आपको सेटिस्फाइड लगता है तो ठीक है, तो आप इसको यहाँ अकेला छोड़ सकते हैं। सो आज मैं इसको लेके जा रही हूँ और आज मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या करती है। तो रही है मेरे साथ, स्टे कनेक्टेड। ये आप शेजिल को देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा, फर्स्ट ईयर स्कूल है, और ये है इसका बैग, लेट्स गो। अच्छा गाइस, लिटरली अगर मैं नाना जा रही होती शेजिल के साथ इस टाइम, तो मुझे रोना आना था कि यार 3 घंटे ये अकेले कैसे रहेगी। मतलब फर्स्ट टाइम कभी इसको किसी के साथ अकेला नहीं छोड़ा होता, लाइक किसी गैर के साथ अकेला नहीं छोड़ा होता, तो आप 3 घंटे के लिए आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं। सो हमने उनसे कहा और उन्होंने कहा ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आ सकते हैं। सो मैं जाऊँगी, 3 से 4 दिन जाऊँगी। अगर मुझे लगा कि ये मुझे मिस नहीं कर रही तो मैं नहीं जाया करूँगी, अगर मुझे लगा कि बीच बीच में रोती है तो फिर मैं जाया करूँगी। सो अभी शेजिल को कोई आइडिया नहीं है कि हम कहाँ जाते हैं। बाय द वे, यहाँ के स्कूल्स और यहाँ के टीचर्स इतनी अच्छी होती हैं कि ऐसे लग रहा होता है कि हमसे ज़्यादा प्यार करती हैं उनसे। सो अभी मैं जा रही हूँ और मैं जाके एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या होता है, उसका स्कूल कैसा है, सब कुछ दिखाऊंगी आपको मैं। और उससे पहले अपना बच्चा भी दिखा दूँ आपको, जो बहुत रेडी बहुत होके बैठा हुआ है और उसको पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। शेजिल, आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? नो, ओके। हस्बैंड से भी पूछते हैं आपको कैसा फील हो रहा है कि जी आपकी बेटी का आज पहला दिन है स्कूल में। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ स्कूल, यहाँ से शुरुआत हो गई है तो आप स्कूल जाना ही है उसने, लाइक इट्स अ प्री स्कूल और उसके बाद जाना है, तो आप क्या कहना चाहोगे? मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो वो थोड़ा बिजी हो जाएगी, एक तो सारा दिन घर में बोर होती रहती है और थोड़ा लर्न करेगी बच्चों के साथ। और मैं बहुत शोखियाँ मारती थी कि यार मैं 3 साल की और मैं स्कूल चली गई थी, लाइक अपने बहन भाई से पहले चली गई थी, यूजुअली बच्चे 4 साल के जाते हैं, तो इसने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि 2 साल की है तो जा रही है माशाल्लाह? ये मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, ट्रिपल सी है करना। और माशा इसका ना जो माइंड है ना बहुत तेज़ है, तो हम आपस में बात करते होते हैं कि अगर इसने कभी पेपर में कोई बी आए सी आया ना इसका, तो हमने कहना बेटा आप जान के लेके आए हो, बिकॉज इसकी जो मतलब बड़ी जल्दी इसको चीज़ें याद हो जाती हैं और भूलती भी नहीं है। सो हम आपस में ये बात करते हैं, तो बस घर के बिल्कुल पास ही है, आई थिंक 2 से 3 मिनट्स के ड्राइव पर, तो बस हमें ड्रॉप करेंगे मेरे हस्बैंड और फिर हम चलते हैं। चलो शेजिल पहले बैठ गई है। शेजिल बेटे यहाँ नहीं बैठना, शेजिल पहले बैठ गया। गाइस ये देखें, इन्होंने हमसे मंगवाए हैं 8 डायपर्स और 1 वाइप्स। तो ये देखें, अब यहाँ पे शेजिल का भी एक कॉर्नर होगा जिसमें उसका रख दिया जाएगा, तो ये इनका ही सारा सेटअप है। मतलब हम भी 8 डायपर लेके आए हैं, 1 7 वाइप्स लेके आए हैं, इसके उस बैग में सारी इसकी चीज़ें हैं शेजिल की। जो सारे बच्चे बैठे हुए हैं ना, उनको वो लेके अलग अलग, क्योंकि हर बच्चे की अलग होता है, कोई ज्यादा जल्दी बोल नहीं पा रहा, किसी को कोई मतलब
कोई मामा को घर में तंग करता है, कोई खाना नहीं खाता, सबको अलग अलग ट्रीट करेंगे, तो सारे बच्चे इधर उधर हो गए। शेजिल और शेजिल को है वो ज़्यादा बातें नहीं करती, तो उनको वो बातों वाले रूम में ले गए, ये वाले रूम में वो शेजिल को ले गए। और मैं आपको दिखाती हूँ, सो ये बैठी है शेजिल अंदर और उसको वो सिखा रही है और वो मुझे ढूंढ रही है और मैं छुप के वीडियो बना रही हूँ उसकी। अच्छा ये इन्होंने डिफरेंट रूम्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट, यहाँ पे भी एक रूम है, ये सारा, और यहाँ पे दो बच्चे हैं, यहाँ पे दो बच्चे हैं और यहाँ पे दो बच्चे हैं, लाइक प्रॉपर हर बच्चे को टाइम दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही बच्चे हैं, ज़्यादा सारे बच्चे हैं, लेकिन उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रख दिए ताकि उनको प्रॉपर टाइम दिया जाए। ये देखिए ब्लैक बोर्ड पे शेजिल का भी नाम लिखा हुआ है इन्होंने। इस टाइम इतने सारे बच्चे हैं क्लासरूम में, ये सारे Okay, any cars? No cars. Let's go. Oh wow, right. Wow. Wow. Wow, we got some good food around. यहाँ पे इन्होंने स्नैक्स वगैरह अपना कर लिया है, मतलब लंच ब्रेक हुई थी एक, अब ये लोग जा रहे हैं इसको लेके पार्क में, तो यू नो एक मिनट के लिए ये नहीं कि बच्चा वहाँ बैठा है तो वहीं बैठा, बोर नहीं होगा बिल्कुल। पीपी शेजिल, पीपी शेजिल, कहाँ जा रहा मेरा बेटा गाड़ी लेके? शेजिल गाड़ी लेके कहाँ जा रहा है? त्राड़े त्राड़े त्राड़े, वाह, इट्स अ कार। अब जी दोबारा जा रहे हैं शेजिल को लेके अंदर। तीन घंटे हो गए हमें यहाँ पे और तीन घंटे में मुझे एक दफ़ा भी नहीं लगा कि यार ये चीज़ बोर है, यानी कि यहाँ पे काफ़ी देर हो गई है बच्चों को बैठे हुए और बोर हो रहे हैं ना। और ये आपको जितने भी आगे लोग जाते नज़र आ रहे हैं ये सब टीचर्स हैं, और इनके हाथ में जितने बच्चे हैं ये इनके स्टूडेंट हैं, एक एक बच्चे का एक एक टीचर है, वो उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान देता है। इनके इसके बाबा का वेट कर रहे हैं, और मेरे साथ भी स्कूल में ऐसे होता था कि सब बच्चे चले जाते थे, मैं एंड पे रह जाती थी, और अब शेजिल के साथ भी ऐसा हो रहा है, सब बच्चे चले गए, अभी तक बाबा पहुंचे नहीं है लेने के लिए। सो बाबा का वेट कर रहे हैं, हमने अपना गिफ्ट भी पकड़ा अपने हाथ में, एंड वी आर जस्ट स्टिल वेटिंग फॉर हर बाबा। शेजिल, वेयर इज योर बाबा? वेयर इज योर बाबा? गाइज ये देखे आके हमने खाना शाना खाया है और अब दूध पी के हम सो गए, और बहुत ज़्यादा हम थक गए थे तो हम आते ही सो गए। ये था हमारा स्कूल का फर्स्ट डे, अब उठ के बाकी की रूटीन दिखाते हैं। ये तो एक हिसाब का शेजिल का सोलो व्लॉग ही हो गया ना, कि पूरा दिन उसने स्कूल में क्या क्या किया और आके थक हार के सो गया। तो मेरे बेटा बहुत ज़्यादा थक गया था और मैंने उसको नींद करा दिया, मतलब मैंने नींद भी नहीं करवाई, मैंने सिर्फ लेटाया और वो लेटते ही सो गई माशाल्लाह से। का फर्स्ट डे था स्कूल में, और वो जब से आई है ना तो तब से बस, मतलब हम लोग आ गए थे तकरीबन 3 बजे, 1 घंटे में मैंने उसको खाना वगैरह खिलाया, दूध पिलाया, सुला दिया, 4 बजे से अब 7 बज गए, अभी तक उठ ही नहीं रही। वो इतना ज़्यादा थक चुकी है कि वो उठ ही नहीं रही है। तो मैंने उसका फेवरेट खाना बनाया है, मैंने कहा मेरा बेटा उठ जाए, पहले दिन इतनी मेहनत करके आया,
तो क्योंकि उसके लिए तो मेहनत ही है ना, सो यू नो पता नहीं क्यों नहीं उठ रही है, हम उसको उठा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और क्योंकि फर्स्ट डे था उसका स्कूल का, तो मैंने उसके लिए गिफ्ट भी मंगवा के रखा है, बिकॉज प्राइज तो बनता है ना, हम स्कूल गए हैं तो हमारा ये प्राइज है। लुक एट दिस। और ये जो है ये भी शैजिल के लिए मैंने रखा है कि वो इसको पॉप करेगी तो खुशी होगी। बाकी सारी चीज़ें वगैरह सेट सुट करके रखी हुई हैं ताकि आए और खेले। ये देखेंगे शैजिल भी गुड मॉर्निंग करने लगे हैं। मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा बच्चा है, खुद ही खड़ा हो गया मेरा बेटा तो। गुड मॉर्निंग शैजिल, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। मेरा बच्चा किट्टा पारा। ओ माय गॉड, किट्टा पारा। गाइज आगे पीछे हम लोग ना एक आइसक्रीम लेते होते हैं और उसी को ना जब थोड़ी सी रह जाती है शैजिल को दे देते हैं। तो आज गई थी शैजिल स्कूल, तो आज हमने शैजिल को सेपरेट आइसक्रीम लेके दी है, एंड शी इज जस्ट एंजॉयिंग हर आइसक्रीम। यू लाइक इट? यम्मी, या। ऑल्सो गाइज हम लोगों ने उनको बताया था कि शैजिल को डायनासोर बहुत पसंद है, तो उन्होंने डायनासोर वाले स्टिकर दिए हैं कि लाइक देखें इतना ध्यान रखते हैं ये बच्चे का, बच्चे की पसंद का और हर चीज़ का। ये देखें ज़रा, बुक भी डायनासोर वाली, और अब ये जी मैडम लगी हुई है इसके साथ। Yeah, it's a bubbles. Do you like bubbles? जो शैजिल को मैंने गिफ्ट किया है ये देखें, तीन है और ये देखें इसको हमने ऐसे ऐसे करना है, एंड देन पूरा आपका कमरा भर जाता है। ऑफ करके दिखाऊं तो माय गॉड, बहुत ही कमाल की चीज है ये। तो गाइज इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।